कल जो दलजीत कौर दी नशे दी हालत विच घर विच बर्फ वाले सूए मार के कतल कर दिता सी अते मौके तो फरार हो गया सी, अज बरनाला पुलिस वालों उस नूं 24 घंटे दे अंदर अंदर गिरफ्तार किया गया। जो चोरी दीआं घटनावां नूं अंजाम दिंदे सन वह भी काबू किए गए बरनाला पुलिस वालों। मामला यह कि कल 3:30 के करीब SHO मतलब सिटी वन नू आई सी इनफॉर्मेशन कि एक लेडी का घर च कतल हो गया। तो SHO साहब उत्थे गए देखिया कि लेडी बैड से मतलब मरी पई सी, तो उहदे जिहड़े है ना खूनों खून लथपथ होई पई सी। उत्थे मौके ते SSP मानजो SSP साहब ने CIA टीम DSP सब डिवीजन बरनाला SP साहब ते DSP D नू उत्थे भेजिया सी, वख वख टीमां बनाईआं सीगीआं। तो मौके जाके तहकीकात की गई सी, तो उत्थों इह आया सी कि जिहड़ा कतल आ उसदे हसबेंड वालों किया गया, जिहदा नाम विक्रमजीत सिंह हैगा। तो उत्थों इह वी पता लग्गिआ सी वी नशे दा आदि हैगा, तो उन्होंने फड़न लई उन्होंने ट्रेस करने लई वख वख टीमां बनाई गई, जिहड़ा कि अज्ज उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया गया। जिस तरह 24 घंटे तो पहला दोषी राउंड अप किया गया सर, किन्ने दिन का रिमांड लिया की अगली कार्रवाई है? है तो उन्होंने गिरफ़्तार किया, अगर भी पुछगिछ चल रही है, उस तो पेश अदालत करके उस तो बाद जो भी मतलब यदा होगा अगली तफ्तीश की अमल चल जाएगी। सर पता लगे क्यों मारिया कि इन्हों की किन्ने चिर इकट्ठे रह रहे थे, कितों रहने वाले, क्यों मारे, की वजह से कहदे नाल मारे? इन्हों की आपस में सैकेंड मैरिज है, इतने किराए पर रेंदे सीगे। जिहड़ा दोषी है वह तो बरनाले का शहर के रहने वाला, जिहड़ी लड़की आ उहदे पिछों मुक्तसर की पहला विआही हुई सी, ते हुण उहदे जिहड़े मापे आ इत्थे रहिंदे आ धनोले एरिया च। खिलाफ 302 IPC परचा दर्ज किया, बाकी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, तफ्तीश करके जो भी तथ्य सामने होंगे तुम्हें वो दस दी। वजह रंजिश हैगी है, लेकिन तफ्तीश का मैटर वो असं तुम्हें दस देंगे, बाद डिस्कलोज कर देंगे। कह सकते कि नशे पिछे जो कतल हो कोई नहीं, इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 302 धारा लाई कतल की, कतल इन्हें सूए मारे से, इन्हें गल के इतने गल से सूए मारे, उन्हें बर्फ वाला सूआ रहा उसने उन्होंने कतल किया मार मार। एक मतलब साढ़े रात्रि गलबात चलता पाया मानजो SSP साहब के निर्देशों मुताबिक, कि मतलब इन्फॉर्मेशन सी कि रात को जोड़े आ अदर स्टेट के बंदे आके इतने वारदात करते हैं, साढ़े को अटैम्प्ट हो गए से उन्होंने मदद रखते हुए साहब ने रात्रि गलबात चलाया पूरे जिले से, पूरे वक् टीम साढ़िया जैंकी साढ़े थाने चो फोर्स लाइन चो फोर्स ईवन के सारे DSP साहबान सारे बाहर निकलते सके। उसे इसी रात्रि गलबे दौरान साढ़े जो हंडियाए चौंकी चार से इन्हों जे चोरी करते मतलब पांच बंदे जे छोटे हाथी तो आते सो जुकाना मेनली कबाड़ दुकानों टारगेट बनाते थे, उन्होंने पहले भी एक दो वारदात अटैम्प्ट हो चुके हैं, इस करके वो अलर्ट से वो जो दोबारा मतलब कर आए अटैम्प्ट तो काबू आ गए। किन्ने दोषी फड़े गए? उस पांच दोषी फड़े गए, उन्होंने तीन दोषी जोड़े है उधरले ने रामपुरा बठिंडा साइड वाले, दो दोषी है पात्रा साइड के। सर की नाम है उन्होंने? सर नाम तुम एक लिस्ट दे दें सारी जाएंगे सर। बरामद उन्होंने काफ़ी हजे समान बरामद हो चुका कबाड़ का, फिलहाल तफ्तीश जारी है इन्होंने होर कितने कितने चोरिया की कितों अजे अंडर इन्वेस्टिगेशन। धारा दर्ज किया 457 380 के पास। हूँ जे एक मतलब अपने कल एक वीडियो वायरल हो रही थी परसों के मतलब धनोले एरिए कोई लड़की को मोबाइल खोह के लै गए, वो जो पता लगे ट्रेस किया गया तो वो जी उन्होंने परचा दर्ज किया गया 379 का, उस जो मुंडे से दोनों वो आप अरैसट कर ले, प्लस उन्होंने को जो मोबाइल मिलया आप रिकवर कर लिया। इस तो अलावा साढ़े महल कलां च काफ़ी केबल तारा की चोरी हो रही थी, वो चोरी मतलब ईवन के चोर आते मोस्टली सके अहमदगढ़ साइड उधर उस साइड के, वो आते जिदा 20-25 मोटर दारा तोड़ कट के लै जाते हैं, तो अगो तार जो इन्वेस्टिगेशन चाहिए कोई 450 रुपए किलो हिसाब से अगों बेचते हैं, वो साढ़े एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट है देख रहे हैं किनू बेचते हैं कि को किमें करते हैं, उस भी असं उन्होंने लैके आए, उन्होंने तीन मुकदमे साढ़े ट्रेस हुए हैं जो पहले किए थे, उन्होंने एक दोषी अजय आ जिते घट्टो घट 6 मुकदमे पहला दर्ज ने, वो उन्हों का सरगना से उत्त भी 6 मुकदमे पहला दर्ज है, अजय वो भी इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, क्योंकि अजय अज ही गिरफ़्तार किए तो उन्होंने पेश अदालत करके रिमांड लैके अगर तफ्तीश की जाऊगी। अहमदगढ़ ₹302 अधीन 5 बंदे चोरी 453 380 अधीन मतलब
दुकाना के पार्ट ला के चोरी करते थे उन्होंने अरैसट किया। उन्होंने को एक टैंपू छोटा हाथी रिकवर किया। चार असी दोषी गिरफ्तार किए जो केबल तारा तो ट्रांसफॉर्म वगैरह चोरी करते थे, ट्रांसफॉर्म दी तारा वगैरह वो चार्ज किए। उस जो धनोले दो दोषी जो किए स्नैचिंग कर रहे।